आज हम लोग बात करते हैं लोगो कमांड में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की. सो फर्स्ट शेप इज देयर ट्रायंगल, थ्री साइड्स आर देयर, सो नंबर ऑफ साइड्स आर थ्री. शेप इज दैट स्क्वायर दैट हैविंग दैट फोर साइड्स एंड शेप इज हैविंग दैट फाइव साइड्स पेंटागन. इसमें हेक्सागन है जिसमें कि छः साइड होते हैं, सेप्टागन है जिसमें कि सेवन साइड्स होते हैं, ऑक्टागन है जिसमें कि एट साइड्स होते हैं. अब बात आती है कि लोगो के द्वारा रिपीट कमांड का यूज करके हम लोग इसको कैसे बनाएंगे. ट्रायंगल, सो टर्टल विल मूव फर्स्ट, देन टर्टल विल टर्न राइट, टर्टल विल मूव फर्स्ट अगेन, देन टर्टल विल टर्न. और इस तरीके से टर्टल, अगर इसको देखा जाए तो टर्टल मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे टर्न होगा, फिर टर्टल यहाँ पे एक पोजीशन पाएगा इस तरफ मूव करने का, फिर टर्टल इधर मूव करेगा और फिर इधर मूव करेगा, फिर टर्टल यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार फिर राइट टर्न होगा और टर्टल यहाँ से मूव करेगा इधर. यानी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो टर्टल जितनी बार जितने साइड्स हैं उतनी बार रोटेट होगा अपनी जगह पर, उस कॉर्नर पर, उस एज पर, और वह राइट हो या लेफ्ट हो, किसी भी तरीके से हम लोग इस शेप को बना सकते हैं. इसके लिए देखा जाए ट्रायंगल के लिए अगर, तो ट्रायंगल के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, रिपीट थ्री स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इफ नॉट गिवन हियर दैट वी कैन यूज एनी वैल्यू, इफ गिवन देन वी हैव टू यूज द सेम पाथ वैल्यू, सेम वैल्यू एज अ फॉरवर्ड कमांड. फॉरवर्ड वी एज्यूम हियर 100, सो रिपीट थ्री एफ डी 100 देन RT. How many times it has to repeat? 3. Because shape of that number of sides are there? 3. Triangle के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए RT 360 by 3. यहाँ पर 360 divide by 3 अगर लिखें तो यहाँ पे 120 degree भी लिख सकते हैं, लेकिन उस बात का headache नहीं लेना है. Computer logo command ये अपने आप डिवाइड करके इसका वैल्यू यूज करके करेगा. तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा. अब जैसे स्क्वायर के लिए अगर देखा जाए तो स्क्वायर के लिए अगर हम लिखें तो स्क्वायर के लिए भी लिखेंगे इस तरह से, रिपीट 4 एफ डी, सपोज यहाँ पे ज्यूम करें 100, फिर यहाँ पे आर टी 360 बाई 4. बाई 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4, यानी कि 4 टाइम्स टर्न होने हैं, इसलिए बाई 4 आर टी 360 बाई 4, 90 डिग्री एंगल विल बी देयर. ऑल द टाइम बाय 90 डिग्री इट विल रोटेट, ऑल द टाइम बाय 90 डिग्री इट विल रोटेट, सो दैट्स वाई 90 डिग्री, सो 360 बाई 4. अलग अलग शेप में इवेलुएट करके डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उस बात का बिना हेडेक लिए जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग उस वैल्यू को पा सकते हैं. जैसे अगर इसकी बात करें पेंटागन के लिए, तो पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो इसमें भी रिपीट उसी तरह से 5 एफ डी 100 आर टी 360 बाय 5. बहुत ही आसान है, इस तरीके से ये पेंटागन के लिए लिखा जा सकता है. तो अगर हम बात करें हेक्सागन की, तो हेक्सागन में 6 टाइम्स टर्टल विल मूव फॉरवर्ड एंड टर्टल विल टर्न. दैट मीन्स वी विल राइट हियर फॉर दिस, रिपीट 6 एफ डी 100 आर टी 360 बाय 6. बहुत ही आसान है ये. और इस तरीके से मुझे लगता है सेप्टागन की बात अगर की जाए तो आप खुद बता सकते हैं 7 साइड्स के लिए क्या लिखा जाएगा. रिपीट 7 एफ डी, अगर यहाँ पर एज्यूम किया जाए 100, अगर कोई वैल्यू दिया होगा साइड्स का नंबर ऑफ पाथ, तो आप नंबर ऑफ पाथ को यूज कर सकते हैं. यहाँ पर फिर लिखेंगे आर टी 360 बाय 7. इस तरीके से अगर ऑक्टागन की बात करें तो ऑक्टागन के लिए भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा देखा जाए इसका. सो इसके लिए लिखना पड़ेगा रिपीट, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं, दैट मीन्स 8 टाइम्स वी नीड टू रिपीट द सेम थिंग्स. सो एफ डी 100 एंड वी विल यूज हियर आर टी 360 बाय 8 बिकॉज वी नीड बाय
एंगल डिवाइडिंग बाय 360 बाय 8। सो इस तरीके से हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के रिपीट कमांड्स कैसे लिखे जाते हैं। अगर आपको स्नैपशॉट लेना हो स्नैपशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए भेज सकूँ। थैंक यू।